बालाडूंगी क्षेत्र के मनकंठपुर कोटा बाग क्षेत्र से देहरादून एसटीएफ रामनगर वन प्रभाग रामनगर की एसओजी टीम ने तीन तस्करों को हाथी के दांत के साथ पकड़ा है। एसटीएफ आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि हाथी के दांत को बेचने के दौरान एसटीएफ ने इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग और तराई से लगते देचोरी रेंज के अंतर्गत पवलगढ़ में देहरादून एसटीएफ रामनगर वन प्रभाग रामनगर की एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ वन प्रभाग और एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने तीन तस्करों को हाथी के दांत के साथ सौदा करते हुए गिरफ्तार किया है। काला डूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि तीन व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है, लगभग 9 किलो वजन का, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर खास की सूचना व अन्य जानकारी प्राप्त होने पर कि रामनगर कालाढूंगी में हाथी दांत की तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर एसटीएफ के निरीक्षक श्री अबुल कलाम द्वारा थाना रामनगर व वन विभाग की टीमों को साथ देकर संयुक्त अभियान व मुखबिर खास की सूचना पर तीन अभियुक्तों को 9 किलो हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है।